एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टेक्निक लेकर के आई हूँ, अगर आप सीख लेंगे ना तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। फ्रेंड्स, जितने भी प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट होते हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुनिए, वो कुछ स्पेशल टेक्निक से प्ले करते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ, अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्टिंग में ही जो प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट होते हैं वो इतना बेहतर ढंग से प्ले करते हैं कि सुनने वाले को समझ में आ जाता है कि यार, म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो वो प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट जो प्ले करते हैं, वो क्या प्ले करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, तो वही टेक्निक मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा पेशेंस के साथ। आज आप लोग बहुत ही अच्छी चीज सीखने वाले हैं। तो चलिए, आइए मैं आपको बताती हूँ कि टेक्निक क्या है, उसको कैसे प्ले करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज जिस टेक्निक को मैं बताने वाली हूँ, उसका नाम है कॉर्ड रनिंग। कॉर्ड रनिंग करने के लिए आपको कॉर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मेजर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, माइनर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं फैमिली कॉर्ड्स पे रनिंग करके आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप प्रोग्राम में जाइए और स्टार्टिंग में आपको प्ले करना है, तो ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। टेक्निक आपको हम यहाँ बता रहे हैं कैसे रनिंग करना है, लेकिन उसके पीछे का जितना काम है ना, कि मेजर का फैमिली कॉर्ड्स क्या है, माइनर का फैमिली कॉर्ड्स क्या है, ये तो आपको आना ही चाहिए था। वैसे तो मैंने मेजर का फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं वो भी बता रखा है विद फॉर्मूला, माइनर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं वो भी बता रखा है विद फॉर्मूला। तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, अगर आपको फैमिली कॉर्ड्स नहीं आते हैं कि फैमिली कॉर्ड्स में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, तो आप ये दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बनने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्निक को बताने के लिए मैं जो फैमिली कॉर्ड्स ले रही हूँ वो है सी मेजर स्केल। अब जो मैं टेक्निक बताने वाली हूँ आपको, चाहे मेजर फैमिली कॉर्ड्स हो चाहे माइनर फैमिली कॉर्ड्स हो, सेम टेक्निक यूज होगा, इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। अब कोई मुझे कमेंट करके ये मत बताना कि मैम मेजर का बताया तो माइनर को भी बता दीजिए, दोनों में सेम टेक्निक यूज होगा। ठीक है, तो मेजर बताते हैं। यहाँ पे मैं तीन कॉर्ड्स लेकर चल रही हूँ। वैसे फैमिली कॉर्ड्स में बहुत सारे कॉर्ड्स आते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉर्ड होते हैं ना, जैसे कि सी मेजर में जो फैमिली कॉर्ड्स बनेंगे, सी मेजर, एफ मेजर एंड जी मेजर, हम इन्हीं तीन कॉर्ड्स को लेकर चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए कॉर्ड रनिंग में दोनों हाथ से रनिंग करना होगा, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, रनिंग के लिए क्या है, सी मेजर कॉर्ड्स में जब हम लेते हैं तो जो की कॉर्ड बनता है सी ई डी, तो मंत्र सप्तक में यानी लो ऑक्टेव में सी ई जी सी ई जी सी ई जी सी ई जी, लेकिन लो मिडिल हाई वेरी हाई तीनों ऑक्टेव में। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, पहले नंबर तो जब हम सी मेजर लेंगे, सी लेफ्ट से सी ई जी, फिंगर नंबर जो होगा 4 2 1, राइट का 1 2 4, ठीक है, सेम अपोजिट, ये जो होगा इसका अपोजिट लेफ्ट में होगा, तो वही टेक्निक यहाँ यूज करेंगे। अब बहुत ही स्लो स्लो में बता दूँ पहले, फिर उसके बाद फास्ट कैसे होगा वो भी बता दें। स्लो होगा जैसे लेफ्ट का लिया 1 2 3, तो यहाँ से राइट का भी 1 2 3, यानी कि सी ई जी सी ई जी। अब इसको देखिए, टेक्निक जो है यहीं पे है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चल रही हूँ, ध्यान से देखिए कैसे कि सी ई जी सी ई जी, अब सी ई जी सी ई जी, यानी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, कॉर्ड शिफ्टिंग इसी को बोलते हैं ना, कॉर्ड रनिंग के में कॉर्ड शिफ्टिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सी ई जी सी ई जी सी ई जी सी ई जी ई जी सी ई जी, इस तरीके से समझ आया कैसे, फिर से देखिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं एफ, एफ पे आएंगे, एफ पर हम कॉर्ड इन्वर्जन, कॉर्ड इन्वर्जन हम यूज करेंगे। कॉर्ड इन्वर्जन यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ, मैं आप देखिए क्या मतलब होता है, कि जैसे कि F A C होता है ना, तो हम इसको दूसरे तरीके से, दूसरे टेक्निक से भी पकड़ सकते हैं F मेजर कॉर्ड को, जैसे कि F D C है, तो इस C को हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो C F G, इस तरीके से, तो इसी को बोलते हैं कॉर्ड इन्वर्जन। ठीक है, सबका ऐसे होगा, G में भी इसी तरह होगा, E का मेजर कॉर्ड जो है G B D, अब इस जी बी डी को, डी को जो है लास्ट वाला, हम इस वाले को पकड़ेंगे ऐसे, तो ये हमारा ये बन जाएगा डी जी बी, सी का नॉर्मल रहने देंगे। ये बात क्लियर हो गई,
जब ये क्लियर हो जाएगी ना तभी जा करके आप अच्छी तरीके से प्ले कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों को जो मैं टेक्निक बता रही हूँ इसमें कॉर्ड इन्वर्जन क्यों यूज कर रही हूँ ये भी बता दूं। मैं इसलिए कॉर्ड इन्वर्जन यूज करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है प्ले करने में और उसकी जो मेलोडी होती है ना बड़ी खूबसूरत होकर निकल के आती है। अब यहाँ पे अगर करेंगे कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अब जिसको कॉर्ड इन्वर्जन पर कमांड नहीं है तो वो मेन कॉर्ड पर भी प्ले कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब जैसे जी है तो जी पे भी इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जैसी मर्जी, आपको जैसा कमांड हो। अब देखिए जिस टेक्निक की मैं बात कर रही थी यहाँ पर देखिए वो टेक्निक क्या है। अब देखिए जैसे कोई भी कीबोर्डिस्ट है, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे आप क्लास में हो, चाहे किसी के सामने आप कीबोर्ड पर बैठने वाले हो, तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए ना ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे कर देते हो इस तरह से प्ले करते हैं, कीबोर्ड पर फिंगर रखते ही पता चल जाता है सामने वाले को कि सामने वाले के अंदर कितना दम है, कितना अच्छा कीबोर्ड प्लेयर है, कितना खराब कीबोर्ड प्लेयर है। तो आपको एक अच्छा कीबोर्डिस्ट बनना है ना, एक प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको ये सारी टेक्निक को यूज करते हुए अपने अंदर गहराई लाना होगा। अगर आज तक आप कीबोर्ड छूते ही ऐसे सारे काम ऐसे प्ले करते हैं ऐसे ये ऐसे, तो अगर आप किसी के सामने या प्रोग्राम में ऐसे सिर्फ प्ले कर देते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अभी बेसिक है, इसको भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए ये सारी टेक्निक को यूज़ करिए। ये सारी टेक्निक अगर यूज़ करेंगे ना तो अपने आप धीरे धीरे आप भी एज अ प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट की तरह प्ले करने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करेंगे। अब देखिए टेक्निक क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, सी मेजर को हम लेंगे, तो यानी लेफ्ट से धीरे धीरे बता देते हैं पहले फिर फास्ट बताएंगे। तो क्या होगा, अब देखिए लास्ट में ही आ रहा ना, अब देखिए साथ में आना चाहिए। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको ये टेक्निक देखना है कि ये कैसे प्ले करते हैं, ये कैसे प्ले करते हैं ना, ये कर्ड एक तरह से, इससे रिलेटेड और भी आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी इसको लगाने के लिए, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद हम करेंगे जैसे फिर से देखें, यहाँ से एक क्रम बनाएंगे, स्टेप वन, आपको यूज करना है। तो अभी तो हमने स्लो बताया, अगर आप फास्ट प्ले करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत बन जाएगा। जैसे देखिए से आपको यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखना है आपको कि जैसे हम यहाँ प्ले करते हैं ना सी मेजर, तो सी मेजर जब हम जाएंगे उसके बाद क्या कर रहे हैं देखिएगा, जब ये लेकर आ रहे हैं इसके बाद हमें एफ नोट पर लेके आएंगे इसको, ये जब एफ नोट करेंगे तो यहाँ एफ कॉर्ड एकदम एक साथ आना चाहिए जैसे, के बाद जैसे जी पे अब आना है और जी कॉर्ड पे आना है तो वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किया ना इस एफ फिर प्ले करके आपको चाहे यहाँ पे जी लाइए चाहे आप यहाँ पे लाइए, ठीक है आपको एक जगह आना है, तो जैसे यहाँ किया ना इस तरह से,
समझ आया कि जो नोट जहां पर गिरेगा उससे रिलेटेड एकदम एक टाइम पे, एक ही टाइम पे कॉर्ड और नोट साथ में आने चाहिए, तभी उसकी खूबसूरती है। अगर आप आगे पीछे प्ले कर देते हैं ना, तो वो बात नहीं बनेगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसको फाइनल तरीके से देख लीजिए, जैसे आप कीबोर्ड पे बैठते हैं और आपको प्ले करना शुरू करना है, तो बस शुरू करिए इसको। इस तरह से, ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद जैसे आपने शुरू किया कीबोर्ड पे, इतना रनिंग मार लिया, अब जैसे कोई सिंगर आया और आप शुरू कर दिया गाना, अपना स्केल, आपने स्केल प्ले कर लिया, उसके बाद वहां पर तो एक आता है बॉलीवुड वाइब्स आता है, वाइब, VIBES, वाइब, एक टोन होता है, जैसे ये टोन, तो इसका आप यूज करेंगे ना, समझ लीजिए कि एकदम जान आ जाएगा। स्टार्टिंग में जो प्ले किया जाता है, जो प्रोग्राम का जान होता है ना, वो इसी पे डिपेंडेंट होता है। देखिए क्या है, सिंगर कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आप उसके पीछे ये प्ले करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जागरण होता है या कोई भी प्रोग्राम हो, तो सिंगर जो होता है ना, गाने से पहले कुछ बोलता है ना, ऑडियंस को कुछ बोलता है। अब जब सिंगर बोल रहा होता है तो ऐसे खाली बोलता रहे, देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे कुछ बोल रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है या ऑडियंस को इंगेज करने के लिए कुछ भी शायरी बोल रहा है, तो आप उसके मूड के हिसाब से, उसके स्केल के हिसाब से आप बैकग्राउंड में ये दीजिए, तो ये क्या होता है, एकदम खूबसूरत लगने लगता है। एक प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट जो होता है वो बना देता है, माहौल बना देता है इस तरह टोन से, ठीक है। जब उसके बाद जब सिंगर बोलकर खत्म कर लेता है अपनी बात, तो वो गाने की स्टार्टिंग करता है, तो गाने के स्टार्टिंग में क्या प्ले करना है वो बता ही दिया है, और जैसे सिंगर गाना शुरू करता है उसके बाद म्यूजिक कैसे प्ले करना है, उसके साथ में कैसे प्ले करना है, सिंगर जब गा करके खत्म करे तो बीच में म्यूजिक कैसे प्ले करना है, इन सारे पॉइंट्स पर हमने वीडियो बना रखा है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, ये टेक्निक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ऑनलाइन क्लास करने के लिए मेरे लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लास के लिए। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जितने भी पुराने हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बहुत जरूरी है। चलिए हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।